Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to Wipro onboarding. Wipro superset hiring is started. Elite turbo star hiring. But what about the Elite phase 1, phase 2 onboarding? Is there any timelines? This video is for 21, 22, 23 batch and it is a part 1 video in which we will discuss about all the important points. Let's start the video. Okay.

Okay, so basically it is only for the like on campus student. But what about the Elite National Talent Hunt and Turbo Hiring and Elite Hiring Program? मैं आपको बता दूँ सिर्फ यहाँ पर हमें अभी डिटेल्स पता चली है ऐसी हायरिंग का अभी कोई भी यहाँ पर ऐसे मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया अगर आप इलाइट हायरिंग के बारे में भी जाके देखेंगे सो यू कैन चेक दैट दे जस्ट मेंशन दैट लाइक बी बी टेक एम ई एम टेक ट्वेंटी थ्री बैच कैन अप्लाई बट वॉट अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस तो अभी एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसी कोई भी स्टार्ट नहीं हुई है ओके okay. सबसे पहले आपको एक वीडियो बताना चाहता हूँ जो कि हमने थोड़े मंथ पहले यहाँ पर पोस्ट की थी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड चीफ ह्यूमन ऑफिसर ने क्या कहा था यहाँ पर कि वो ऑनर करेंगे ईच और एवरी ऑफर बट वाज अनेबल टू गिव अ डेट फॉर द सेम सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी तक अभी तक कौन सी यहाँ पर कौन सी बैच को यहाँ पर अभी ऑनबोर्डिंग आई है रिलेटेड टू द फेज टू ऑफ ए मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि कितने टाइम से हम वेट कर रहे हैं पर अभी ऐसे इलाइट का कोई भी अपडेट नहीं आया तो देखिए मेरे हिसाब से तो जो इलाइट और टर्बो की हायरिंग रहेगी वो अभी तो नहीं आने वाली है क्योंकि वो अभी वो सबसे पहले ऑन बोर्ड करेंगे और उन्होंने पहले भी मेंशन कर दिया है कि वो सबसे पहले ऑन बोर्ड करेंगे उसी के बाद आपको हायरिंग का मौका देंगे देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पहले ही बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि विप्रो ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ने यह भी ये भी कह दिया है कि वो जो फ्रेशर्स हैं उनको ऑनबोर्ड उन करेंगे सारे ऑन ऑफर जो है वो ऑनर भी करेंगे बट अभी तक ऐसी कोई भी डेट नहीं देंगे और वेटिंग पीरियड क्या हो सकता है फ्रेशर्स का मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं है वो फेज्ड मैनर में ऑनर करेंगे सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आएगी वैसे वैसे आपको ऑनबोर्डिंग की डेट देखने को मिलेगी अभी अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो कंपनी अभी आपको ऑनबोर्ड एकदम से नहीं करेंगे और सबसे पहले एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी हायरिंग आएगी तो देखिए हायरिंग इज़ टोटली डिफरेंट ओके सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ अभी काफ़ी सारी कंपनीज की हायरिंग आई थी उनकी ऑनबोर्डिंग भी चल रही है पर जैसे जो टॉप एम है जैसे इन्फोसिस की अभी ट्वेंटी थ्री की सिस्टम इंजीनियर की हायरिंग नहीं आई है तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि वो पहले ऑनबोर्ड करेंगे उसके बाद ही हायरिंग लाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द फेज्ड मैनर में ही आपकी ऑनबोर्डिंग होने वाली है सेकेंड पार्ट में बात करेंगे अगर आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं एंड इफ़ यू आर फ्रॉम इफ़ यू आर फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर और इफ़ यू आर फ्रॉम बी सी है बी एस सी सो आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी हायरिंग अभी भी ओपन है ओके okay. बट अगर आप इलाइट और टर्बो से हैं तो आपको वेट करना पड़ सकता है और अभी जो प्रीवियस ऑनबोर्डिंग रहेगी उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस एंड माई रिसर्च i hope this video is useful for everyone thanks for watching the